हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुमन किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं अपना फ्रिज साफ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको भी अपना फ्रिज साफ करना दिखाऊं। तो देखिए, हमारा फ्रिज बहुत ही गंदा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया हुआ है, और फ्रेंड्स ये सब कूड़ा कचड़ा हो जाता है, जिससे कि बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है फ्रिज में। और अभी आम का सीजन है, तो आम भी रखने से फ्रिज में स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सबसे पहले हमको जो करना है फ्रेंड, तो हमें अपने फ्रिज का प्लग निकाल देना है, उसके बाद ही हमें फ्रिज में कुछ भी टच करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने फ्रिज फिर से खोल लिया और लाइन को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं एक सूती कपड़ा ले ली हूँ, और जितने भी सूखे कूड़े हैं उनको मैं इस सूती कपड़े से सारा निकाल के फेंक दूँगी। और इसे बहुत ही आराम से करना है, और कपड़ा एकदम सूखा होना चाहिए। तो देखिए, मैंने सारे अब सूखे कूड़े को निकाल दिया है। अब मैं धीरे धीरे करके सारे अपने फ्रिज के अटैचमेंट को निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको आराम से सारे अटैचमेंट निकल जाते हैं, आपको आराम से ध्यान से करना है। तो देखिए, मैं जैसे निकाल रही हूँ वैसे ही अपने सारे अटैचमेंट को आपको निकालना है। दो बार इस तरह से वो करने से, टच करने से ये निकल जाते हैं, और ये सब बहुत ही आराम से निकालना है। अगर आपको कोई अटैचमेंट निकालने में दिक्कत हो रही है तो उसे आप छोड़ दीजिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं निकालिए, नहीं तो वो टूट भी सकता है। तो देखिए, मैंने सारे निकाल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने मलाई रखा हुआ है अभी तक, और बर्फ़ ज़्यादा जम चुका है। तो मैंने डिस्कनेक्ट करने से पहले वहाँ का स्विच दबा दिया था, ताकि हमारा बर्फ़ थोड़ा बहुत गल जाए, तो थोड़ा गल गया है। तो ये देखिए, मैंने अपने मलाई को भी निकाल लिया है, और इसी तरह मैं फ्रीजर में मलाई रखती हूँ। और तब मैं अब सब चारों तरफ से अब अपना सूखे कपड़े से सब निकाल दी हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी आपको। देखिए, इस तरह से सूखे कपड़े से आपको एकदम अच्छा से इसे सफाई कर लेना है। अटैचमेंट निकालने के बाद भी एक बार सफाई कर लेनी है। देखिए कैसे पीले पीले दाग हो गए हैं, और ऐसा ट्रिक मैं बताई हूँ कि ये सारे पीले दाग धब्बे निकल जाएंगे और सारा स्मेल ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप हमारे ट्रिक को ज़रूर एक बार आजमाइएगा। और अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादा चीज़ रखने से, जैसे सब्जियाँ वगैरह, वेजिटेबल, हर एक तरह का हम लोग सामान फ्रिज में रखते हैं, तो इसमें ज़्यादातर गंदी स्मेल क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खाने वाला सोडा ले लिया है फ्रेंड्स, और इसे मैं सूखा ही इसमें छिड़क दूँगी। चारों तरफ छिड़कने के बाद इसे फ्रिज को मैं 10 मिनट के लिए बंद करके छोड़ दूँगी, ताकि इसमें का बैड स्मेल चला जाए। और ये सूखा सूखा छिड़क के और बंद करके रखना है हमें फ्रिज। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे, आपको दिखाऊंगी। और देखिए, मैंने सारा छिड़क दिया। हम अपने सारे अटैचमेंट को लेके बाहर आ गई हूँ। अब इसे हमें, जैसे मैं हम लोग बर्तन धोते हैं वैसे ही हमें इसे माँज के धो के रख देना है। और फ्रेंड, ऐसा स्क्रबर लेना है जो कि एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो, नहीं तो इसमें स्क्रेच आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बाहर लेके आ गई हूँ, ताकि मैं सारा माँज के धो के इसे अच्छा से सुखा के, और जिस डिटर्जेंट से हम लोग बर्तन धोते हैं उसी से हमें धोना है। इस ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और देखिए, मैंने माँज के सारा सूखने के लिए रख दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये, और आपके पास जो भी डिटर्जेंट पाउडर है वो आप ले सकते हैं, कोई भी जो अवेलेबल है आपके घर में वही आप ले लीजिए। 2 चम्मच ली हूँ, और ये खाने वाला सोडा था 1/2 चम्मच, और ये है विनेगर फ्रेंड्स। अगर किसी के घर में विनेगर नहीं है तो आप लोग इस नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास तो विनेगर था, तो मैंने नींबू को रख दिया, और विनेगर 2 ढक्कन, विनेगर वाले ढक्कन से ही मैं 2 ढक्कन ले रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और इसके बाद ये हमारा क्लीनर बनके तैयार हो जाएगा, फ्रिज क्लीनर। और एकदम ही ये इजी है, और घर में मिलने वाले सामान से ही मैंने दिखाया है। और स्क्रबर ऐसा लेना है जैसे कि आपके हाथ में बहुत वो सॉफ्ट हो, तो मैंने हाथ में दिखाया ही आपसे, हमारा स्क्रबर बहुत सॉफ्ट था। तो जितने भी हमारे सब्जी वगैरह गिरते हैं, वेजिटेबल, सब्जी, फ्रूट, जो भी हम लोग रखते हैं, थोड़ा बहुत गिर जाते हैं, उनके गंदे स्मेल आने लगते हैं और दाग धब्बे हो जाते हैं। तो देखिए, जितने हमारे पीले ये दाग धब्बे थे, सब कितने आसानी से, इजी से निकल गए। और इसी के लिए मैंने विनेगर का यूज किया है, और मीठा सोडा, मतलब कि बेकिंग पाउडर।
तो दोनों का यूज करने से आपके फ्रिज में गंदे स्मेल चले जाते हैं और जो भी पीला दाग धब्बा रहता है वो एकदम साफ हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी तरीका था, इसे आप लोग एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्लीनर है जो कि घर के ही इंग्रेडिएंट से मैंने बनाया है। और देखिए साइड में जो गंदे हैं, देख रहे हैं रबड़ में कितने गंदे हो गए हैं, तो ये स्क्रबर मैं इसीलिए ली हूँ ताकि ये जिस साइड आप मोड़ना चाहें ये मुड़ जाता है और आराम से हमारा ये रबड़ भी साफ़ हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी ये साफ़ होता है और इस स्क्रबर से हमारा फ्रिज में स्क्रेच भी नहीं आती है और बहुत साफ़ भी हो जाता है। तो देखिए मैंने सारा साफ़ कर लिया। अब मैं एक कपड़ा ले लूँगी और एक बाल्टी में पानी ले लूँगी। अब मैं कपड़े को निचोड़ निचोड़ के पानी में डाल के और निचोड़ निचोड़ के अपने फ्रिज को अच्छा से पोंछ लूँगी ताकि जो मैंने विनेगर और सोडा डाल के साफ़ किया था वो सारे मैल इसमें कपड़े में आ जाए और हमारा फ्रिज एकदम चमकने लगे। तो फ्रेंड्स ये इजी वे आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी है लेकिन हमारे फ्रिज एकदम नया जैसा चमकीला जैसा चमकने लगेगा। तो देखिए आप लोग मैंने कितना चमका दिया और इसके सारे बैड स्मेल भी निकल जाएंगे और एकदम ये नया जैसा चमकना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अंदर का भी सब साफ़ कर लूँगी तो देखिए हमारा फ्रिज एकदम नया जैसा हो गया है। अब मैं बाहर का भी आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो चलिए इसे अभी बंद कर देते हैं और बाहर का साफ़ कर लूँ। तो देखिए मैंने स्क्रबर से ही बाहर का भी साफ़ कर ली हूँ। अब मैं कपड़ा ले लूँगी, जिस कपड़े से मैंने गीला कपड़ा ले लूँगी जिससे मैंने अंदर का साफ़ किया था। तो देखिए मैं गीला कपड़ा ले ली हूँ और इसी से मैं इसे फिर पोंछ लूँगी क्योंकि मैंने स्क्रबर से इसे भी साफ़ किया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक सूखा कपड़ा ले लेंगे और उसे अंदर का फ्रिज खोल के फिर से अंदर में मैं सूखे कपड़े से अब अच्छा से इसे क्लीन करूँगी ताकि हमारा फ्रिज एकदम सूखा हो जाए, क्योंकि अगर भींगा रहेगा फ्रेंड तो इसमें जम्स क्रिएट होंगे। तो इसीलिए हम इसे अच्छा से सुखा लेंगे और एकदम ही हमारा फ्रिज नया जैसा चमक रहा है। आपको अच्छा से सूखे कपड़े से इसे पूरा चारों तरफ आपको सुखा लेना है। तो देखिए मैंने चारों तरफ इसे साफ़ कर लिया है और हमारा फ्रिज देखिए फ्रेंड्स कितना चमक रहा है और देखिए एकदम मैंने सुखा लिया है अपने फ्रिज को। मैं आपको दिखा रही हूँ चारों तरफ से मैंने सुखा लिया है। तो अब चलिए हम अपने अटैचमेंट को फिट कर दें इसमें। देखिए वन बाय वन मैंने सारे अटैचमेंट को फिट कर दिया, मैं दिखा रही हूँ आपको फिट करके। तो जैसे मैंने निकालते वक्त आपको दिखाया था वैसे ही मैं फिट करते वक्त भी दिखा दी हूँ। तो बहुत ही आराम से ये लग जाता है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। अब मैं ऊपर वाला भी लगा ले रही हूँ। तो सारे अटैचमेंट आप धीरे धीरे करके इसमें अटैच कर दीजिए और देखिए कितना हमारा फ्रिज चमक गया है। तो हमारा ये फ्रिज क्लीनिंग करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा फ्रिज क्लीनिंग करना और क्लीनर बनाने वाला तरीका कैसा लगा। तो आपके अगर इस्तेमाल का हो तो फ्रेंड्स आप ज़रूर उसे इस्तेमाल कीजिएगा और एक बार हमारे जैसा आप फ्रिज ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए अब मैं अपने फ्रिज के अटैचमेंट को सारा लगा दी हूँ, तो मैंने प्लग भी चालू कर दिया और आपको फ्रिज चालू करके भी दिखा दी हूँ। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।